जिन रंगों का कोई धर्म नहीं होता, जिन जो रंग किसी नेता से बिकते नहीं है, आज उन्हीं रंग की राजनीति होने लगी है। तो आइए जानते हैं क्या है ये राजनीति का एक नया रंग। हाल फिलहाल में ममता बनर्जी ने इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी के रंग की ओर निशाना साधते हुए बीजेपी को बोला कि बीजेपी हर जगह रंग के माध्यम से, भगवा रंग के माध्यम से अपना प्रमोशन कर रही है। साथ ही उन्होंने बोला कि ये जो प्रमोशन करने का तरीका है, पूरे भारत को भगवा रंग में लाने का तरीका है, ये टेम्परेरी तो चलेगा पर परमानेंट ये काम नहीं करने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने मेट्रो स्टेशन को भगवा रंग करवाने पर भी सवाल उठाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कौन सा नेता होता है जो अपने नाम का स्टेडियम बनवा दे। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई नेता अपने नाम का स्टेडियम बनवा दे। उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में मोदी जी के नाम पर स्टेडियम पर भी सवाल उठाया और कहा, मैंने ऐसा कोई नेता नहीं देखा जो हर जगह अपना नाम चलाए, अपना रंग चलाए। जबकि हम बार बार कहते हैं रंगों का कोई धर्म नहीं होता, रंग किसी एक इंसान के नहीं होते, लेकिन उन्होंने भगवे रंग को क्या बता दिया, बीजेपी का प्रमोशनल टूल बता दिया। आइए देखते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी वीडियो में क्या कहा। अभी तो सब गरुआ बना दिया। We are proud of your Indian players and I believe they will be the champion of the World Cup champion. उसको भी और गेरुआ बना दिया। उसको ड्रेस जब प्रैक्टिस करते हैं गेरुआ बना दिया। वो लोग तो लड़के नील पढ़ के पढ़ता है। कभी देखा मेट्रो रेल स्टेशन बनाता है पूरा गेरुआ कलर लगा दिया। अरे वो तो छोड़ दो, मायावती को मैं देखा था अपना नाम पे स्टैचू बनाया था, लेकिन और अभी नहीं सुना कि किसी को नाम पे ऐसा होता है। अभी तो हर बात बात पे नमस्ते का नाम पे होता है, जनता को नमस्ते नहीं। एक कभी नहीं चल सकता है। देश का नाम पे करो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। कोई गुजरात को लीडर को नाम पे करो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। जो देश का नेता है, यूपी का करो, बिहार को करो, राजस्थान को करो, साउथ इंडिया को करो, जो भी जगह है करो। ये क्या है, ये क्या चीज है? वो खाने का चीज नहीं है, दिखाने का चीज। दिखाने से कभी कभी फायदा मिलता है, लेकिन परमानेंट फायदा नहीं मिलता है। कुर्सी तो आने के लिए है, जाने के लिए भी है। ये जनता का दिल में है। मैं तो माँ का पास और देव देवता पास यही विनती करेंगे कि हमारा देश में शांति रहे, हमारा विश्व भर शांति रहे, हमारा कोई डिविजन ना हो, कोई डिवाइड एंड रूल ना हो। हर धर्म, हर फेस्टिवल, सबको फेस्टिवल सबको करने दीजिए। और जो भी काम हो रहा है, जो होना चाहिए था, हमारा बंगाल में तो हम कर लेता है, हमको तो सब बंद कर दिया, लेकिन देश में भी नहीं हो रहा है, खाली देश बेचने जा रहा है। मेरे को पास इंफॉर्मेशन है, मोर देन 70,000 बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट और देश छोड़ के चला गया। ये तो हमारा देश में इन्वेस्ट कर सकते थे। ये रुपया बाहर में जा रहा है, तो इसी के लिए हम चाहेंगे कि लेट द गुड सेंस प्रिवेल्स, लेट द गुड सेंस प्रिवेल्स एंड आई एम प्राउड टू से बंगाल विल लीड द कंट्री वंस अगेन। व्हेन द कंट्री इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। गोखले को कहना था जब आजादी का लड़ाई हुआ था, हम भी कहते हैं अंतिम में, जय मां जगदात्री का जय, जय बांग्ला का जय, वंदे मातरम का जय, जय हिंद का जय, जय हमारा देशो मातृका का जय। आप लोग सब अच्छा रहे, सुंदर रहे, हम थोड़ा ज्यादा बोला है, प्लीज क्षमा कीजिए।
अच्छा रहिए, सुंदर रहिए। हम किसी को खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन देश में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि देश का जनता जनता नहीं है, खाली एक ही जनता है, वो हम नहीं मान्यता देना चाहता है। हम चाहते हैं सबको लिए, हम जो भी करें हम बंटवारा करके खाएंगे। हम एक साथ में आधा रोटी रहेगा, आधा रोटी बंटवारा करके खाएंगे, हम अकेला सब नहीं खाएंगे, ये हमारा बात नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला, जय माँ जगदात्री, जय जय छठ पूजा का जय।